दोस्तों आज हम बात करने वाले 33x45 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे होंगे, इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लान है, बहुत ही स्टाइलिश। मैंने यहाँ पर इसका फ्रंट एलिवेशन दिया है, पोर्च वगैरह जो भी निकाला है, बहुत ही बेहतरीन पार्किंग की जगह आपको देखने को मिलती है। तो इसी पूरे मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको टॉप मिलता है और पूरा इसकी डिजाइनिंग जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो आप बने रहे स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार दोस्तों अपडेटेड वीडियो मिलते हैं। आप लगातार यहाँ पर नए नए डिज़ाइन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो आपके आने वाले, जब भी आप घर बनवाते हैं तो आपको एक नया लुक देते हैं, नया आइडिया देते हैं। तो आज का जो 33x44 का प्लान है उसे मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी टाइप का घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में। आपसे बात करके मैं आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलो मैं आज इस मॉडल को पहले जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इसका रियलिस्टिक व्यू वगैरह कैसा देखने वाला आपको। ये देखिए, रेलिंग की बात करें, फिनिशिंग की बात करें, फ्रंट एलिवेशन की बात करें, तो आपको टॉप और मॉडल डिज़ाइन बिल्कुल बेहतरीन से मिलता है पोर्च के साथ, जो कि आपके घर को एक अट्रैक्टिव लुक देने में सक्षम है। सबसे पहले इसकी ग्राउंड फ्लोर की बात करूँगा, तो ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है जो आप देख पा रहे होंगे। ये चार पिलर आपको फ्रंट में मिलते हैं, साइड में 2 पिलर्स मिलते हैं। इन चारों पिलर्स पर आपका पोर्च डिज़ाइन किया है मैंने। फ्रंट का एलिवेशन ये देखिएगा, ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। मेन डोर ये है, 2 विंडो दिया है, क्योंकि फ्रंट में मैंने 2 बेडरूम बना रखे हैं। आगे से आपका यहाँ पर रोड है, यहाँ से आप स्लोप से जाएंगे, अगर यहाँ कार पार्किंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने एरिया आपको निकाल कर दिया है। तो जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रंट में 2 बेडरूम मिल जाते हैं, जिनके लिए अलग अलग डोर, अलग अलग विंडो बाहर से भी दी है। इसके बाद आप लिविंग एरिया में पहुंच जाते हैं, आंगन में बोल सकते हैं। इसका 2 कॉर्नर पर आपको और बेडरूम मिल जाते हैं, ये देखिएगा। फ्रंट में आपका बड़ा सा किचन मिल जाता है, इस साइड एक लेट एंड बाथ मिल जाता है, इधर से स्टेयर्स, और स्टेयर्स के नीचे भी आपको एक लेट एंड बाथ। तो ओवरऑल 33x44 में आपको 4 बेडरूम, बड़ी सी गैलरी, एक बड़ा सा किचन, 2 बाथरूम और 1 स्टेयर और 1 आंगन, साथ में पोर्च या कार पार्किंग बोल सकते हैं। ओवरऑल ये आपको देखने को मिल जाता है पूरे घर में। तो ये देखिएगा पूरा डिज़ाइन, हालांकि अंदर का तो नॉर्मल ही डिज़ाइन है, लेकिन फ्रंट का एलिवेशन की बात करें तो यही आपके घर को एक नया लुक देता है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका दृष्टि है, तो फर्स्ट फ्लोर है ये, आप ऊपर वाला मटेरियल एक्स्ट्रा है। अभी सिर्फ आप देखें फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग वगैरह, जो चारों तरफ मैंने रेलिंग क्रिएट की है वो देखिएगा। ये पोर्च था, उसको यहाँ पर मैंने बालकनी में कन्वर्ट कर दिया है, और ये चारों तरफ रेलिंग वगैरह देख पा रहे होंगे। डिजाइनिंग की बात करें तो ये अंदर के मॉडल की बात करें तो अंदर बिल्कुल सेम टू सेम जैसा नीचे था, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर है। वही 4 बेडरूम, वही किचन, वही लेट एंड बाथ, वही स्टेयर्स, वही पोर्च। पोर्च यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है बालकनी में, और आपको 2.5 फीट का आगे फ्रंट में छज्जा भी मैंने निकाल कर दिया है, जिसे बालकनी के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो 33x44 का फर्स्ट फ्लोर। अब हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो 33x44 फिट का ये लास्ट फ्लोर है, जिस पर मैंने चारों तरफ 3 फिट का बाउंड्री, हालांकि स्टेयर्स की गुमटी मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं की है, वो आप जब चाहें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मॉडल कैसा लगा हमें जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करें। लेकिन कांटेक्ट तभी करें जब आप पेड सर्विस लेना चाहें, अन्यथा आप अपना और मेरा भी टाइम बिल्कुल ना ख़राब करें। तो अगर इस मॉडल की कॉस्ट की बात करें कि इस घर को बनवाने में कितना पैसा लगेगा ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसे डाउनलोड कर लें। वहाँ पर ओवरऑल मटेरियल कितना लगता है मकान में, कॉस्ट कितनी लगती है, वो सब कुछ फाइंड आउट करके आपको दे देता है। तो उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं, स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन जैसे लिखेंगे स्मॉल हाउस प्लान आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लें, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।